मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, प्लानिंग बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा अच्छा था, और कोई भी ऐसा रिदम ऐसी बीट नहीं छोड़ी बच्चों ने जिससे कि ऑडियंस के रोंगटे खड़े ना हुए हों। और मैं दोबारा से ओम पब्लिक स्कूल को बच्चों को मुबारक देना चाहूँगा। बहुत अच्छा स्कूल है, शुरू से ही अच्छा लगता हमें, इसीलिए इसी स्कूल में करवाई थी। तो मतलब घर जाके भी हम देखते हैं याश्मिन को, तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होके बोलती है सबके साथ और मैनर के साथ बोलती है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। सुशासन बढ़िया है यहाँ का, और पढ़ाई भी बढ़िया है, और बच्चे में पहले से बढ़िया परफॉर्मेंस है हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम जींद रोड पर ओम पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां से प्रिंसिपल सर मंजीत खासा जी मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस को आज बड़े ही धूमधाम से यहां मनाया गया। सर, जिस तरह से कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा उत्सव वेब पोर्टल के सभी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को, आप सभी को माँ शारदे माँ सरस्वती का दिन भी आज, वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस का यह पावन उत्सव, आपके सभी दर्शकों को दोनों पावन पर्वों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था वंदे मातरम, जिसके अंदर हमारी सिक्स क्लास का कंप्लीट पार्टिसिपेशन, 190 स्टूडेंट्स दे पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम। इट वाज थीमेटिक प्रोग्राम वंदे मातरम, और इसमें वर्ष 1927 से लेके और 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस सारे वृत्तांत को, सारी यात्रा को एक बच्चों ने अपनी प्रतिभा से प्रदर्शित किया है। एक कह सकते हैं कि एक साथ इतने बच्चों का पार्टिसिपेट करना, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस तरह से आपने तैयार किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली इट वाज अ टफ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि आप देखिए विंटर ब्रेक था और एकदम से स्कूल खुले, तो बच्चों को ज़्यादा वर्किंग के लिए टाइम नहीं मिला। 6 दिन में एक मार्स पार्टिसिपेशन को तैयार करना, उनको मंच पर लेकर आना, और मंच पर भी एक ऑब्जेक्टिव के साथ लेके आना। देखिए, किसी बच्चे ने डांस में पार्टिसिपेट किया, किसी के डायलॉग्स थे, किसी का एक्ट था, तो मेरा ये मानना है कि जब भी बच्चा मंच पर आता है, वो जो भी बोलता है, तो दिस आर द रियल लाइफ स्किल्स विच CBSE इज टॉकिंग अबाउट, उसको वो सीखता है और वो उसको जीवन भर के लिए धारण करता है। चैलेंज था, लेकिन अच्छी टीम के साथ, दिस क्रेडिट गोज टू द डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ OPS, उन्होंने 6 दिन के अंदर इतना शानदार आयोजन, इतनी शानदार प्रस्तुति दी। निश्चित रूप से लिए मेरी टीम, जिन पर हमें गर्व है, हमारे पूरा प्रबंधन समिति और कंप्लीट टीम ऑफ टीचर्स, वे सभी बधाई के पात्र हैं। सर, हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं और जो डिसिप्लिन है, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, द मंत्रा ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ SSS फॉर्मूला, स्टडीज, स्टेज एंड स्पोर्ट्स। आप ट्रायंगल को कंप्लीट कर देंगे तो इसका जो इज, दिस इज इक्वल टू सक्सेस। SSS इज इक्वल टू नेक्स्ट सक्सेस। आप तीनों जगह पर, यदि बच्चा मंच पे भी आएगा, बच्चा ग्राउंड में भी जाएगा और बच्चा क्लास में भी रहेगा, दिस इज 360 डेवलपमेंट, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो बार बार हम सर्वांगीण विकास की जिस बात करते हैं, वो यही है और यही मैजिक मंत्रा है। इसमें से हर एजुकेशनिस्ट का ये उत्तरदायित्व है कि दिस कंप्लीट 360 जो डिग्री ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसको कंप्लीट करने के लिए जितने भी एफर्ट्स हमें करने पड़े, हर किसी को करने चाहिए। तो सर, जिस तरह से पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई है, तो पेरेंट्स जिस तरह से भरोसा दिखा रहे हैं, तो कैसे आप जो है इतनी मेहनत करते हैं, कैसे जो है कसौटी पर खरा उतरने के लिए दिन रात काम करते हैं 24/7? जैसे आपका हरियाणा उत्सव की टीम, आप लोग भी, यू आर नोन फॉर 24/7, 2400 घंटे हफ्ते के सातों दिन आप हाजिर हैं। तो आई थिंक दिस मंत्रा इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, किसी भी फील्ड में, नॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे भी। देखिए, कोई भी काम मेहनत बहुत मांगता है और वो पूरी टीम एफर्ट्स के साथ की जाए तो डेफिनेटली दिस इज नॉट चैलेंजिंग, फिर इसको इंजॉय किया जाता है, वर्किंग को इंजॉय करते हैं और इंजॉय करके इट कम्स टू सक्सेस। गोहाना जैसे शहर में OPS ने जिस तरह से अभिभावकों की कसौटियों पर खरा उतरने का काम किया, और एरिया में जिस तरह से एक एजुकेशन के लिए एक ऐसा ऑप्शन दिया लोगों के लिए, तो क्या कहेंगे? गोहाना, इट्स अ एजुकेशन सिटी नाउ। अर्लियर वी यूज टू से कि सोनीपत इज एजुकेशन सिटी, वी आर पार्ट ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। गोहाना इज एजुकेशन सिटी, और सब मिलके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई स्कूल, बट सब मिलके अच्छा काम कर देंगे तो निश्चित रूप से गोहाना जो है आने वाले समय में, वी आर गोइंग टू लीड हरियाणा। इट्स नॉट अबाउट गोहाना ओनली, गोहाना इज गोइंग टू लीड हरियाणा। और हम सब सारे मिलके, पूरी टीम जब काम करती है, तो निश्चित रूप से सफलता में मज़ा भी आता है।
देखिए ओम पब्लिक स्कूल में तो हर वर्ष ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी हम तो कभी छोड़ते ही नहीं, क्योंकि बच्चों को बताना होता है कि गणतंत्र दिवस क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे हमारा देश गणतंत्र डिक्लेयर किया गया था, तो ये सारी बातें तो बतानी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हम तो हर वर्ष मनाते हैं गणतंत्र दिवस। लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुँचे थे थोड़ा सा जी सर, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी और डिसिप्लिन के बारे में भी जो है यहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने बताया था, डायरेक्टर मैम ने, तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए स्कूल्स जो होते हैं वो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं होते, एक स्कूल होता है एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, और यही प्राथमिकता हर किसी की होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे जो सिनेरियो चल रहा है सोसाइटी में, आपको ऐसे बच्चे चाहिए जो चीज़ को भावनात्मक रूप से महसूस कर सकें, जैसे आज बच्चों ने किया एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो CBSE भी कह रही है कि बच्चा फील करे चीज़ों को, खुद करके देखे, तो आज वो सब किया बच्चों ने, एंड दे रियलाइज्ड कि कितना इम्पॉर्टेंट है देश के लिए कुछ कर गुजरना, और कितनी यातनाएं लोगों ने सही ये दिन आज हमें देने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि समझती हूँ कि जो प्रिंसिपल सर यहाँ कर रहे हैं, मैम जो कर रही हैं सोसाइटी के लिए, बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि एक बच्चा जब कॉन्फिडेंट होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस आप ही हैं सर, आप आई थिंक इतने कॉन्फिडेंट हैं इसीलिए आज आप हमें इंटरव्यू कर रहे हैं, या इतने यू नो कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चंस हमें पूछ रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं आपके स्कूल से मिला है, सोसाइटी से मिला है, जब आप पढ़े होंगे, तो हर फील्ड में हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए भरपूर एक्टिविटीज़, प्लेथरा ऑफ एक्टिविटीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड इन ओम पब्लिक स्कूल। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कूल एक 360 डिग्री जो ग्रोथ है बच्चे की वो दे, और आई थिंक मैम बहुत अच्छा कर रही हैं, सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे वेल ग्रूम्ड हैं, जो कि सोसाइटी की नीड है, और मैं बहुत खुश हूँ, और इनको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ कि इतने अच्छे से सब संभाल रहे हैं और सोसाइटी को इतना कुछ दे रहे हैं। थैंक यू। ओम पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस को बड़े ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया, और हमारे साथ जो है पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार है। कहाँ से आए सर? बुटाना से जी। अच्छा, आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया? हाँ, पार्टिसिपेट किया। तो कैसा लगा सर, कैसी परफॉर्मेंस रही? बहुत बढ़िया लगा, वो पढ़ाई के साथ साथ और साथ ये जो अपने मनोरंजन के वो उनको भी बढ़ावा दिया है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी, और देश के जो कब से आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है सर? ये हाँ। ये थर्ड क्लास से पढ़ रहा है जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे ओम पब्लिक स्कूल के बारे में, यहीं अपने बच्चों को आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो यहाँ की जो प्रभु एक तो अनुशासन बढ़िया है यहाँ का, और पढ़ाई भी बढ़िया है, और बच्चे में पहले से बढ़िया परफॉर्मेंस है हमारे, मतलब आपको लगता है विश्वास है स्कूल? हाँ विश्वास है जी, बढ़िया पढ़ाई है यहाँ पे। क्या नाम है सर? अशोक, अशोक वशिष्ठ जी। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत मेहनत की है आज के कार्यक्रम के लिए। मैं पूरे ओम पब्लिक स्कूल को, पूरे स्टाफ को, पूरे सिक्स क्लास को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, प्लानिंग बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा अच्छा था, और कोई भी ऐसा रिदम ऐसी बीट नहीं छोड़ी बच्चों ने जिससे कि ऑडियंस के रोंगटे खड़े ना हुए हों। और मैं दोबारा से ओम पब्लिक स्कूल को, बच्चों को मुबारक देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा प्रोग्राम किया। आँखों में आंसू आ गए थे सर देखते देखते? मेरी आँखों में आंसू थे, वो रिदम, वो जज्बात, बच्चों ने उस माहौल को ऐसे बना दिया जैसे कि हम उस पल को जी रहे हैं। एक शॉर्ट मूवी में दिखा दिया सब कुछ, एक शॉर्ट मूवी, एक रिदम चल रहा था, एक मूवी चल रही थी जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि। कब से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सर? मेरे बच्चे फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी से मेरे बच्चे यहीं तो पढ़ रहे हैं। स्कूल को ही क्यों आपने चूज किया सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्कूल के अंदर है ना एक परफेक्शन मिलना चाहिए बच्चे को, एजुकेशन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, आजकल के कल्चर को समझना जरूरी है, और वो सारी चीज़ें मुझे एक बास्केट के अंदर मिली जिस बास्केट का नाम मैं ओम पब्लिक स्कूल कहना चाहूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीदों पर खरा उतर रहा स्कूल लगता है आपको? मुझे लगता है कि पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरता है। जो प्रिंसिपल सर हैं मेरी उनसे मीटिंग्स होती हैं, जो डायरेक्टर मैडम है मेरी उनसे मीटिंग होती है, टाइम बाय टाइम मेरे पास जो सजेशंस होते हैं मैं उनको वो सजेशंस देता हूँ,
और वो उस सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं और अपने सिस्टम में अडोप्ट करते हैं और जिससे कि बच्चों को बहुत लाभ होता है। जी पूजा नरवाल। अच्छा तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा जी आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? यास्मीन ने किया। अच्छा आपकी गुड़िया है जी? हाँ मेरी गुड़िया। कौन सी क्लास में पढ़ती है? सिक्स्थ फायर में। सिक्स्थ क्लास में। हाँ कब से पढ़ रहे हैं जी आपके बच्चे यहाँ? या नर्सरी से सर। ये नर्सरी से? हाँ। कौन सी जगह से आते हैं जी? गोवाना से, मैम रोड गोवाना। जी तो क्या कहना चाहेंगे जी स्कूल के बारे में? बहुत अच्छा स्कूल है, शुरू से ही अच्छा लगता है हमें, इसीलिए इस स्कूल में करवाई थी। सारे टाइप की स्कूल तो और भी बहुत सारे हैं, इसी को क्यों चूज किया आप लोगों ने? बस शुरू से ही अच्छा लगता है इसीलिए करवाई थी। डिसिप्लिन है, स्किल्स हैं। आप बताइए। डिसिप्लिन है, स्किल्स हैं और हर टाइप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मतलब घर जाके भी हम देखते हैं यास्मीन को, तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होके बोलती है सबके साथ और मैनर के साथ बोलती है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। और मतलब पढ़ाई के बारे में बोला जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, हर टाइप की सपोर्ट मिलती है स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, तो मतलब हमें तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि शिकायत है किसी टाइप की, तो वी आर वेरी हैप्पी। विश्व पटल पर श्रेष्ठ
फासला विश्व के किसी अन्य राज्य से विविध है। अनगिनत शहीदों के खून themselves.
It will be a vague offer. They can't offer freedom, but that's it. Maybe we should send General Dyer again to our mighty British Empire, because even God is afraid of us in the dark. So finally,
जो बिना किसी दबाव के नागरिकों के अधिकारों की रक्षक बने।